Hey, my boy. Mama. मंत्री जी दर्शन करने के बाद स्टेशन पहुंचने वाले। सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया? सबको अलर्ट कर दिया है सर। मोहन सर, पैसेंजर्स को उस तरफ भेज दो। ओके सर। मंत्री जी मेन गेट से ही आने वाले सर। अगर किसी पर शक हो तो चेक करो। यस सर। बी अलर्ट सर। विशाखापट्टनम से। अंदर क्या छिपा कर रखा है? बॉम्ब्स हैं या ड्रग्स हैं या वेपन्स हैं? निकालो। मैंने कहा निकालो। ये बच्चा किसका है? मेरा बच्चा है। माँ कहाँ है इसकी? नहीं है। नहीं है मतलब छोड़ दिया है या मार दिया तूने? तेरा ही बच्चा है या किसी का चुरा कर भाग रहा है तू? शक्ल से तो बहुत बड़ा कैदी लगता है। कॉन्स्टेबल। यस सर। इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलो और इस बच्चे को अनाथाश्रम में रखकर इसकी इंक्वायरी करो। बच्चा ला इधर। मैंने कहा ला इधर। ये बच्चा अनाथ नहीं है। इस बच्चे का बाप मैं हूँ। मुल्क के लिए तेरी जिंदगी बहुत कीमती है। जा, देश की सेवा कर। जा। पुलिस पर हाथ उठा। मिनिस्टर जी आ गए सर। नरसिम्हा यहाँ क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं सर, हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। ओ, अरे रे रे रे, बब्बर शेर की तरह बिल्कुल तुम पर गया है। सर, वो ट्रेन का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? सॉरी सर, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आई एम सॉरी। पॉलिटिशियंस को जितनी इज्जत देते हो पब्लिक को भी उतनी इज्जत दो। कुमार, बैचलर पार्टी में तो धमाल कर देंगे। या भाई, या भाई, क्या मस्त है, बिल्कुल एक नंबर। बता बता। हाँ, दिखाओ। अरे भाई, अरे मस्त है। क्या ये सब क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहे हो? ये बस है, ये बार है, हम लोग सोए नहीं क्या? आई विल कॉल द पुलिस। चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जा। एक तो उम्र हो चुकी है, इस उम्र में हड्डी टूटेगी तो छूटेगी भी नहीं। चल बैठ। अरे भाई, मेरा बच्चा रो रहा है, थोड़ा शोर कम करो ना। दूध पिला दे, सो जाएगा। आप लोग थोड़ी शांति रखेंगे तो दूध पी के सो जाएगा। ये बियर पिला दे, सुबह तक शांत रहेगा। ऐसी बात कर रहे हो भाई, बच्चे को बियर पिला दे। अरे रहने दो यार, बेटा क्या कर रहे हो? जा बच्चा।
रास्ता दीजिए, भगवान का प्रसाद है ये। है? ये क्या कर दिया, भगवान के प्रसाद को अपवित्र कर दिया। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, मैं कुछ समझा नहीं। बाहरी लगते हो, तुम्हें नहीं पता क्या, पुजारी को छूने से प्रसाद अपवित्र हो जाता है। बच्चे के छूने से मंदिर का नियम भंग हो गया, अब हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे। जाओ यहाँ से, खड़े क्यों हो, जाओ। बाबू रुक जाओ, क्या कहा पंडित जी, बच्चे ने छू लिया तो अपवित्र हो गए। छोटे बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, ऐसा वेदों में और किताबों में लिखा गया है। भूल गए क्या, भगवान के लिए भगवान अपवित्र हो सकते हैं। आज जन्माष्टमी है, बाल कृष्ण पर ऐसे चिल्लाना गलत है ना। क्षमा कीजिए धर्माधिकारी जी, ये सिर्फ आचरण जानते हैं लेकिन शास्त्र के बारे में नहीं जानते। इसे ले जाकर पूजा शुरू कीजिए। ठीक है, जाइए, आप भी जाइए। अच्छे से तैयार करके ले आओ। जी साहब जी। वैसे बाबू का नाम क्या रखा है? अभी इसका कोई नाम नहीं रखा, चुन्नू मुन्ना कान्हा कहके पुकारता हूँ। क्या बात कर रहे हो, एक साल हो चुका है अभी तक नाम नहीं रखा। कृष्ण भगवान का मंदिर है, ऊपर से आज जन्माष्टमी भी है, बाबू का नाम आज मैं रखता हूँ, बाल कृष्णा। तुम्हें कैसे लगा, तुम सबको अच्छा लगा ना? अब तुम बताओ। इन सभी को इतना अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? नरसिम्हा। तुम किस गाँव से आए? वाइजैक से आया। इस गांव में और कितने दिन रहोगे? कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो यहीं रह जाऊंगा सर। काम क्या करते हो तुम? जो जानता हूँ वो सारे काम कर लेता हूँ। और जो नहीं जानते हो? जान कर कर लूंगा। क्या है शिवशंकर? ये क्या है, इस तरह राउंड सर्कल बनाकर सुप्रभात क्यों कर रहे हो तुम लोग? आपको जगाने के लिए, सबको काम बताने के चक्कर में आप खुद ही सो गए। कौन सो गया था? आंख बंद करके लेटने को सोना कहते हैं? बड़े लोग आंख बंद करके लेटते हैं, इसका मतलब वो कुछ गहरे विचार में होते हैं। वो तो ठीक है, पहले काम तो बताओ। क्या काम बताऊं मैं, क्या काम बताऊं? जो भी उनको रास्ते में मिलता है उसको उठाकर घर में लाकर रख देते हैं, जैसे धर्मशाला हो। तुम लोगों को काम बता बताकर, ये देखो बाल उड़ गए मेरे। इसका मतलब पहले आपके बाल घने हुआ करते थे जी। संजय मजाक मत कर वरना सिर तोड़ दूंगा। नहीं सर, पिछले 20-30 सालों से आपने फिगर मेंटेन करके रखी हुई है, मार्केट में अभी भी आपका नाम है सर। काम की वजह से रे, काम करता हूँ मैं जी। अच्छा मेरी पर्सनालिटी की वजह से तुम्हें क्यों जलन हो रही है? और आपकी पत्नी के बारे में सोचकर तो उसको दुगनी जलन होती है। मेरी पत्नी के बारे में सोचकर इसे क्यों जलन होती है? जलन क्यों नहीं होगी, देखने में बिल्कुल लड्डू की तरह है, उनकी चाल मोड़ने की तरह है, कमल की तरह खूबसूरत लगती है। उसके बारे में बताते बताते तू इतना क्यों फुदक रहा है बे? सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, यानी मेरी पत्नी के बारे में सब सोचते रहते हैं। मार डालूंगा मेरी पत्नी के बारे में सोचे तो। चलो निको, चलो चलो। थैंक यू सर। किस लिए? आज आप किसी को लेकर नहीं आए इसीलिए। हाँ? अब ये कौन है? नमस्कार भैया। देखो देखो यहाँ देखो, माँ बोलो। बहुत अच्छा इंसान वो तो पता चल ही रहा है, मैं देख रहा हूँ। मुलाकात होने के बाद और भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। आएगा आंटी को देखो, माँ बोलो माँ। आज से ये यही काम करेगा, उसने तो अपना काम सेठी कर लिया है। बेटा रो मत, आंटी के पास जाओ। नरसिम्हा को अपना वो पीछे वाला मकान है ना, उसमें रहने का इंतजाम। उसमें कैसे कर सकता हूँ, उसमें तो हम लोग रहते हैं ना। पर उसमें तो दो बेडरूम है ना, एक रूम में मैं सोता हूँ, एक रूम में मेरी बीवी सोती है सर। अब समझ में आया कि बच्चे क्यों नहीं हुए? कौन बकवास कर रहा है, कौन नालायक है? मार डालूंगा नालायकों। ए, क्या है, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? भूख लगी है क्या? पेट को बढ़ाया है लेकिन दिमाग को नहीं। जवाब दो। तुम्हें डांटता हूँ तो तालियों की आवाज़ क्यों सुनाई देती? सुनाई क्यों नहीं देगा सर, वो सारे नौकर मुझसे जलते हैं इसलिए खुश होकर ताली बजाते। अच्छा, हैं। ठीक है नरसिम्हा सर, वो मेरी पत्नी है। नमस्कार मैडम। नरसिम्हा तुम्हारे बगल में ग्लैमर खड़ी है ना, वो मेरी पत्नी है। पता भी है,
ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों अलग अलग सो रहे हो? बाप रे, उनके खरांटों की आवाज से मुझे डर लगता है। हम ना सिर्फ रात को अलग अलग सोते हैं। संभाल कर इसका ध्यान रखना। ठीक है सर। समझ गया ना? समझ गया सर। आपने हिंदी में समझाया ना? मर्यादा में रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको कौन सा काम दूं मैं? ड्राइवर सर, बाबू को मुझे दीजिए। ड्राइवर सर, यानी ऑलरेडी सेट हो गया है क्या? जी हाँ भैया, ऑलरेडी फिक्स हो गया है। उसने सेट किया है। रुको, कम हियर, स्टैंड इधर। कहाँ तक पढ़े हो? पांचवी क्लास तक। इसीलिए एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, यह सोचकर घमंड मत करना, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, याद रखना। बस पांचवी कक्षा के लिए? हाँ, पांचवी कक्षा के लिए ही। जाओ। मैं बात करके आता हूँ, तू यही रुक। ठीक है भैया। नमस्ते सर। नमस्कार शिंदे। नमस्ते भाई। एसपी से कह दो मैं आया हूँ। आप बैठिए, मैं बताता हूँ ना। ओके। नमस्ते भाई, क्या हाल है, कैसे हो? आपसे एक जरूरी बात करनी थी भाई। क्या हुआ, हफ्ता कम मिल रहा है क्या? वो बात नहीं है भाई जी, मेरी बेटी के साथ कॉलेज में आपके भाई रैगिंग करते हैं। सच कह रहे हो? हाँ जी भाई। कॉलेज में है तो रैगिंग तो होगी, अब ये उम्र ही कुछ ऐसी है, कुछ दिनों की बात है, बर्दाश्त कर रहा। भाई मेरी इकलौती बेटी है वो, जरा आपके भाई को समझा दें तो। मेरे कहने से काम बिगड़ जाएगा, वो बहुत जिद्दी लड़का है, जाने दो ना। अरे सुनो जयराम, नए एसपी का कैरेक्टर कैसा है? सुना है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ओ भाई, एएसपी साहब ने आपको बुलाया है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? शहर में कोई भी नया आए तो मैं पहले। क्या बात है, आप तो बहुत ही तेज हैं, डायरेक्ट मुद्दे पर ही आ गए। ओके सर, मेरा नाम गणपत भाई, बट खुद चलाने वाले हर व्यापार में बेईमानी। आपको कैसे पता सर? तुम्हारी ही फाइल देख रहा हूँ। ओह, सिट डाउन। 30 बसें सारे शहर में चल रही हैं, 30 लॉरीज रेती के कारोबार में चलती हैं, कुंभकोण के मंदिर के आसपास 30 लॉजेस हैं, और भी कई सारे बिजनेस। यहाँ मंदिर के चप्पल के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट के रोड कॉन्ट्रैक्ट तक सब तुम्हारा है, लेकिन हर चीज में ये 30-30 का आंकड़ा क्यों? वो मेरे भाई की जन्म तारीख है सर, सारे बिजनेस उसी के नाम से शुरू किया है मैंने, उसी की वजह से सर मेरी किस्मत खुल चुकी है। दरअसल वो मेरी जान है सर। तो उस जान को कुछ ना करो कहकर विनती करने आए हो? हाँ सर, उसी के लिए आया हूँ। सुना है आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, आंध्रा से लेकर गुजरात बिहार तक के गुंडों का सफाया करके यहाँ के भी गुंडा राज को खत्म करने आए। छोटे पर लगाए गए सारे केस झूठे हैं सर, ये इल्जाम गलत है कि उसने कई मर्डर्स किए। इतना लेकर आए हो? आप तो बहुत ही तेज हैं सर, अभी गाड़ी में 30 लाख है, बाकी कितना कहाँ पहुँचाना है मुझे बता दीजिए, 30 मिनट में पहुँच जाएगा सर। बाबू भाई का फोन। क्यों पांडे, गांजा सिर्फ लेते हो या बेचते भी हो? नहीं सर, बहुत ही तेज है, डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार जैसे हैं। चलता हूँ सर। जी सर। सर एक छोटी सी सेल्फी ले लूं सर? ए गणपत, तुमने अपनी भाई की जान को खरीदा है, मेरे पावर को नहीं। तुम इस गांव के शेर हो तो मैं बब्बर शेर हूँ, तुम जितना चाहे पुलिस नहीं बन सकते और मैं कितना चाहूँ गुंडा नहीं बन सकता। आगे से कंधे पर हाथ डाला तो चीर के रख दूंगा, आउट। आप अगर वायर में बहती करंट हैं तो मैं भी ट्रांसफार्मर हूँ सर, दोनों के ज्वाइंट होने पर ही पावर स्ट्रॉन्ग होता है। चलता हूँ सर, पैसे बैलेंस है सर, जल्दी मिल जाएंगे। खुद तो सो लिए, मेरी नींद मत खराब करो तुम, जाओ तुम। मैंने उठा रहा हूँ पगली, छोटी मैम साहब आ गई हैं। हाँ? बाबू सो गया है ना ड्राइवर सर? हाँ हाँ, कब का सो गया? वो गाड़ी में कौन है, क्या हुआ उसे? मैं आकर बताती हूँ। मैडम साहब, Where is my powder? नीचे रखो। हाँ, हाँ, आराम से।
बचपन में पाउडर का दूध पिया है ना, तो अभी भी पाउडर ही मांग रही है। रोज का नाटक है यार। चलो 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 सब। देवता के घर में जन्मी भूतनी है ये। फॉरेन में पढ़ाई करती है, सिर्फ छुट्टियां मनाने यहाँ आती है। दिन भर ड्रग्स लेती है और बेहोश पड़ी रहती है। ये बात सर नहीं जानते क्या? जानते हैं। इकलौती बेटी है ना, ना ही उसे कुछ पूछ पाते हैं और ना ही उसे कोई रोक पाता है। रात भर सोती नहीं है और दिन भर उठती नहीं है। क्या बात है, दोनों क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? नहीं जी, छोटी मेम साहब के बारे में बता रही हूँ। उनके बारे में तू क्या बता रही है, उनको सारा शहर जानता है। ये उनके ड्राइवर बनना चाहते हैं। हेलो, तुम्हें यहाँ किसकी गाड़ी चलानी है तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो मैं करूँगा। जाओ सो जाओ।